गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो मैं क्या ऐसा समझूं आपने ये 85 अच्छा किया है या नहीं? मैं तो समझ रही हूँ आपने अच्छा किया है, ठीक है, क्योंकि बेटा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है सिलेबस का, ठीक है, और जो भी डिलीटेड पार्ट था मैंने उसको भी पढ़ाया था आपको, एक्सेप्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन बचा था, फिर न्यूट्रिएंट साइकिल बचा था, बायोडाइवर्सिटी खत्म करने के बाद वो भी कर लेंगे, ठीक है, तो वो भी एक क्लास में हो जाएगा, सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल एक क्लास में वो खत्म हो जाएगा, दो क्लास में बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेशन सॉरी कंजर्वेशन खत्म हो जाएगा आज और कल। ओके, तो 2 दिन में बायोडाइवर्सिटी खत्म होगा, फिर आप जो है सो प्री बोर्ड के लिए जाओगे, प्री बोर्ड खत्म करोगे, तब तक हमारे क्लासेस तो डाउट है मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो कल आखिरी क्लास होगी तो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब जब प्री बोर्ड खत्म करके आओगे तब एक बार हम रिवीजन करेंगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, जैसे रिप्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर आप जो बोलो वो जो चैप्टर आप बोलो उसका रिवीजन, एक एक क्लास, अगर यू नो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ प्रिंसिपल के लिए दो तो तीन तीन क्लास, फिर पेडिग्री भी तो है, वो सारी चीजें करना है। फिर उसके बाद 11th का सिलेबस मैं करूंगी, वो भी आपको पढ़ाऊंगी मैं। 11th में प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी को ज्यादा स्ट्रेस करूंगी, फिर जो सेल बायोलॉजी का है ना वो 2 क्लास में खत्म होगा, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स है, फिर वो सारी चीजें। बेटा हम लोग बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि 12th का आप पक्का कर लो, ओके, कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लो, तो हम लोग 11th में कुछ कॉन्सेंट्रेट कर पाए, क्योंकि पता है बेटा मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम आप एनिमल फिजियोलॉजी करवाइए, प्लांट फिजियोलॉजी करवाइए। बेटा करवाऊंगी मैं, अब जिन बच्चों को मैं 11th में पढ़ा रही हूँ ना उनको तो मैं पक्का करवा रही हूँ, ओके, 12th में आने के बाद अगर वो अच्छे से पढ़े होंगे तो कुछ भी उनको डिफिकल्टी नहीं होगी, सिर्फ रिविजन होगा, बट आपको तो मैंने नहीं पढ़ाया है तो आपको मैं करवाऊंगी, ओके, सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन करके वो भी करवाऊंगी, ठीक है, तो लेट्स होप फॉर बेस्ट। एंड मैं सोच रही हूँ कि आपने 85 अच्छा किया है, देखूंगी मैं रिजल्ट आने के बाद। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, इतना उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके, कितने लेवल्स हैं, कौन कौन से हैं, एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर कितने स्पीशीज हैं, उनके नंबर क्या है, प्लांट्स कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं, एनिमल्स में अगर ज्यादा नंबर है तो इंसेक्ट्स हैं, फिर इंसेक्ट्स कितने हैं, ये सारा कुछ। देन पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स में आप देखोगे बहुत अच्छा है यार, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वहां पे एरिया स्लोप का ग्राफ देखोगे, फिर जो है सो वहां पे फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, वो सब देखेंगे हम लोग आज। बेटा हम लोग इन 3 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे टुडे, हम लोग क्या करने वाले हैं इसको इसको एंड इसको, ये कल करेंगे क्योंकि बहुत इजी है, सिंपल है। कल आपके कुछ डाउट्स है तो वो लूंगी मैं, उसके साथ साथ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो आज हम लोग इतना कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलो, हाँ भाई आया, देखो बंदा। ओके, तो सी फर्स्ट द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट, ठीक है, जो आपको वर्ड बायोडाइवर्सिटी है ये क्या है, तो देखो बेटा आप अगर वर्ड को स्प्लिट करोगे ना तो बायो रेफर्स टू लाइफ, ओके, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, तो आप सिंपल भाषा में क्या कह सकते हो, इतनी लाइफ फॉर्म्स की वेराइटी। देखो बेटा हम ह्यूमंस ही नहीं है ना इस दुनिया में, इस धरती पे प्लांट्स हैं, कितने सारे प्लांट्स हैं, कितने सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे इंसेक्ट्स हैं, अल्गी है, फंगई है, कितने सारे वैरायटी है बेटा, वी हैव सो मेनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो लाइफ की जो वैरायटी है मतलब छोटे से सेल से आप पकड़ के बड़ा बड़ा बायोम तक आप अगर देखते जाओगे तो वो जो है आपको दिखेगा वैरायटी, ओके, सारी लाइफ फॉर्म की वैरायटी वेरी करती जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेल्यूलर, मतलब एक छोटा सा सेल से लेकर पूरे एक बायोम तक
तक की सारी वैरायटी, जो लाइफ फॉर्म की वैरायटी है उसको हम कहते हैं बेटा बायोडायवर्सिटी। ठीक है, चलो। देन एडवर्ड विल्सन, ये एक सर हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने पॉपुलराइज किया इस टर्म को, बायोडायवर्सिटी को। ओके, इससे पहले इतना पॉपुलराइज नहीं था बायोडायवर्सिटी, अभी हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आप मुझे पूछोगे, मैम इन्होंने इतनी बड़ी चींटी कहाँ से पकड़ के रखी है? बेटा पकड़ के रखी है, रियल फोटो है, ठीक है, कोई एडिटेड फोटो नहीं है। जैसे आप करते हो ना, बहुत सारे फिल्टर लगा के आपके फेस के सारे स्कार्स रिमूव करने के लिए ये फिल्टर लगाया वो फिल्टर लगाया, नहीं भाई ये उस टाइम का नहीं है, एंट बड़ा है उसको पकड़ के बैठे हुए हैं बंदे। चलो, देन लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, लेवल्स हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी। अब जो कहते हैं ना, सारा जो वैरायटी है लाइफ फॉर्म्स का, इसमें लेवल्स हैं। एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हम उसको कहते हैं, एक स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, तो इसका रेंज वेरी करते जाता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा गिव मी अ सेकेंड, ओके आई एम सो सॉरी, जो शिलोंग रीजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो इमरजेंसी कॉल होते रहता है। ठीक है, चलो। द फर्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे क्या होता है, जो वेराइटी है या फिर वेरिएशन जो है, वेराइटी इज शोन बाई अ सिंगल स्पीशीज एट अ जेनेटिक लेवल। एक स्पीज, यू नो, सिंगल स्पीशीज जेनेटिक लेवल में ये वेराइटी दिखाएगा। ठीक है, आपको पता है ना जेनेटिक लेवल क्या है, स्पीशीज लेवल क्या है। आई विल टेक यू एन एग्जाम्पल, मैंजीफेरा इंडिका, बेटा आपने पढ़े क्या है ना। सो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका मीन्स व्हाट? मैंजीफेरा इज अ जीनस। ओके, ये जीनस है, इंडिका इज अ स्पीशीज। ठीक है, तो अब हम कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सिंगल स्पीशीज, अभी इंडिका स्पीशीज की वेराइटी एट जेनेटिक लेवल। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी शोन बाय अ सिंगल स्पीशीज। जो सिंगल स्पीशीज कौन सी है, जैसे समझ लो मैंगो की हो गई या कोई भी एक प्लांट की, तो उसके जेनेटिक लेवल में क्या वेरिएशन है इसको दिखा रहे हैं। ऑलराइट, जस्ट टेल मी, आर देयर स्टूडेंट्स फ्रॉम शिलोंग हियर? शिलोंग, शिलोंग के भी स्टूडेंट्स हैं क्या यहाँ पे, शिलोंग और हैदराबाद रीजन के? भावनगर तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अस्तावलेरी भी मेरी स्टूडेंट है, बाकी सारे जो भी हैं कृष्णा बारमन में हमारा ही है। कोई नहीं है ना यहाँ पे शिलोंग का? पता नहीं, नहीं है ना कोई भी? से यस और नो भाई, कुछ तो लिखो। नहीं है, अगर होते तो अब तक मैसेज आ जाता। चलो ठीक है, मेरे तरफ से तो मैं क्लियर हूं, है ना। एक मिनट भाई, गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई एम सो सॉरी, क्योंकि अभी अभी मुझे कॉल आया था, आपके जो विनय सर है ना, जो आपको सैटरडे संडे की क्लास लेते हैं, उनसे कॉल आया था कि उनको एक भी स्टूडेंट नहीं आया है उनके पास, क्योंकि लास्ट क्लासेस हमारे कंबाइंड थे, वो बेचारे कंसर्न थे इसीलिए। चलो, तो डाइवर्सिटी की बात हो रही थी यहाँ पे। द एग्जाम्पल दिया है, योर एनसीईआरटी हैज गिवन एन एग्जाम्पल, राउल्फिया वॉमिटोरिया विच इज फाउंड इन हिमालयस, इट शोज जेनेटिक वेरिएशन इन पोटेंसी। तो पोटेंसी क्या है? पोटेंसी इज नथिंग बट पोटेंशियलिटी, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो वर्किंग है, या फिर उसकी एक, यू नो,
हर एक इंसान की एक पोटेंशियलिटी होती है बेटा. जैसे समझो मैं कंटिन्यूअसली 3 क्लासेस ले सकती हूँ 3 घंटा तक. इवन तो मेरे गले में दर्द होगा फिर भी ये मेरी पोटेंसी है, मेरी पोटेंशियलिटी है. ओके, सिमिलरली आप स्टूडेंट्स हैं, आप 3-4 घंटे तक कंटिन्यूअसली बैठ के पढ़ सकते हो, ये आपकी पोटेंशियलिटी है ना. तो इसी तरीके से यहाँ पे इट शोज द जेनेटिक वेरिएशन इन देयर पोटेंशियलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल दैट इज रिसर्व पॉइंट. ठीक है, तो ये है बेटा यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, विच इज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. ऑलराइट, तो बेटा अब इतना दिमाग लगा के इसमें खराब करने वाली कोई चीज नहीं है. इसको बहुत लाइटली पढ़ो, बस एग्जाम्पल्स याद रखो, न्यूमेरिकल्स याद रखो. ठीक है, तो क्या बता रहा है यहाँ पे, जैसे हमने आपको बताया ना मैंगो. ओके, मैंगो इज अ स्पीशीज, मैंगो एक स्पीशीज है, इसके बहुत सारे जीनस हैं. तो इसको हमने क्या कह दिया, जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे देखो 1000 वेराइटी के आपको आम मिलेंगे एंड 50,000 डिफरेंट वेराइटी के राइस. ओके, राइस इज ओराइजा सटाइवा, मैंगो इज मैंजिफेरा इंडिका. तो राइस की एक स्पीशीज है, एक सिंगल स्पीशीज, इसके कितने वेराइटी हैं जेनेटिक लेवल पे, 50,000. मैंगो एक सिंगल स्पीशीज है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है, 1000 वेराइटी. तो इसको हम कहते हैं बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है, तो जीनस लेवल में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, मैंने बताया ना डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. अब देखो स्पीशीज लेवल में डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल. ओके, तो स्पीशीज के लेवल पे बात हो रही है, तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दिया है, वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स. बेटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ईस्टर्न घाट्स हैं एंड दीज आर वेस्टर्न घाट्स. एंड यू माइट नॉट बिलीव दैट वी आर ब्लेस्ड. मैं अभी जो रीजन में हूँ, मैं यहीं पे हूँ. ओके, यहाँ पे जो कर्नाटक है तो यहीं पे हूँ मैं. ओके, तो नियरली यहाँ पे बीच में आता है जो एरिया मैं अभी लोकेटेड हूँ. तो वी आर ब्लेस्ड विद गुड सीजन्स, गुड अमाउंट ऑफ यू नो रेनफॉल. विंटर में अच्छा रहता है, समर में अच्छा रहता है. थोड़ा इधर जाओगे ना तो आपको चिकमंगलुरु मिलता है, चिकमंगलुरु. ठीक है, तो वो वहां पे जो पहाड़ है, मुल्लेनगिरी के पहाड़, बहुत अच्छे हैं बेटा, ब्यूटीफुल पहाड़ है. फिर आप यहाँ पे थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको पूरा कोस्टल एरिया मिल रहा है भाई, सारा बीच, सी फूड खाने के लिए, बीचेस में खेलने के लिए, सारा कुछ. अब यहाँ पे केरल में भी हमको बीच मिलता है, कर्नाटका से भी बीच मिलता है. ओके, तो यहाँ पे कर्नाटका से थोड़ा बीच, फिर यहाँ पे गोवा आएगा तो गोवा में भी बीच रहेगा, है ना. तो यहाँ पे जो डेंस वेस्टर्न घाट आपको कर्नाटका एंड केरला में ही मिलते हैं, गोवा में इतना नहीं मिलता. जो वेस्टर्न घाट है वो कर्नाटका और केरला को मिल के आता है. तो यहाँ पे जितनी वेजिटेशन है बहुत ज्यादा वेराइटी है. ओके, तो प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी. तो यही बात बता रहे हैं यहाँ पे, जो ईस्टर्न घाट्स हैं इससे ज्यादा एम्फीबियन स्पीशीज वेराइटी आपको वेस्टर्न घाट में मिलेंगे. ठीक है, देन ये डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल. अब स्पीशीज लेवल तो बहुत छोटा था, जेनेटिक लेवल थोड़ा बड़ा था, अब उससे भी बड़ा हम लोग आ रहे हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बहुत बड़ा हम लोग इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी देख रहे हैं. ओके, इकोसिस्टम क्या है, हमने पढ़ा है, इट इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिज्म विथ इट्स एनवायरमेंट, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम्स में भी डाइवर्सिटी है. जैसे इन इंडिया आप क्या क्या देखोगे, डेजर्ट्स देखोगे, रेन फॉरेस्ट देखोगे, मैंग्रोव्स. आई होप यू ऑल नो व्हाट आर मैंग्रोव्स. बेटा मैंग्रोव्स आर दोज एरियाज वेयर देर आर सलाइन कंडीशन. तो सलाइन वाटर होगा, यहाँ पे सॉल्ट वाटर होगा, यहाँ पे ऐसे करके झाड़ निकलेंगे. ओके, दीज आर ट्रीज. तो मैंग्रोव्स में आपने पढ़ा होगा बेटा राइजोफोरा. ओके, राइजोफोरा बोल के एक ट्री है जिसमें से यहाँ पे जो रूट्स है ना, जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स, द ब्रीदिंग रूट्स आर कॉल्ड एज न्यूमैटोफोर्स. ओके, इसको हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स. तो न्यूमैटोफोर्स क्या होगा बेटा, ये ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं क्योंकि इनका जो रूट्स है वो बहुत स्लाइमी है. ओके, ये जो नॉर्मल रूट्स की फंक्शनिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए क्या होगा, न्यूट्रिशन और सारी चीजें इनको वाटर से मिल जाएंगी, थोड़ा बहुत रूट से मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन में. ओके, ऑक्सीजन में एंड थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में भी. तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रीदिंग रूट्स रहते हैं, आपको दिख रहा है ये सारे ब्रीदिंग रूट्स, तो इनको कहते हैं नोमैटोफोर्स. ये कैसे रहेंगे ना, जैसे समझ लो यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे ट्री है, राइजोफोरा है. ओके, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके धरती पे ऐसे निकले हुए होते हैं न्यूमैटोफोर्स. ओके, जिनमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं विच यू नो एनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए एनेबल करता है. ठीक है, ये क्या होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होती है. ऑलराइट, देन एस्चुरीज, एस्चुरीज हो गया,
देन कोरल रीफ्स, ओके, डीप सी डाइविंग किसी ने की है, चलो कोई किया या ना किया हो, सभी ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कैसे कटरीना कैफ ऋतिक रोशन को डीप सी डाइव करने के लिए लेके जाती है कोरल रीफ्स, है ना, जिसके बाद ऋतिक रोशन की जिंदगी बदल जाती है, समथिंग समथिंग। तो ये हमारे पास है, आप कहाँ पे देख सकते हो उसको, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार में यहाँ पे आप जाओगे ना तो डीप सी डाइविंग अच्छी है। एंड देन आप कर्नाटका में जहाँ पे गोकर्णा कहते हैं, ओके, तो गोकर्णा वहां पे भी थोड़ी दूर आप जाओगे तो वहां से भी लेके जाते हैं ये लोग डीप सी डाइविंग के लिए। एंड इधर से भी फिर जो हमारा तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु रीजन, वहां से भी होता है, ओके, वहां से भी, तो हमारे पास ये भी है। एंड देन वेटलैंड्स, वी हैव वेटलैंड्स, एंड देन अल्पाइन मेडूस, मेडोस मेडोस वो भी है हमारे पास। तो इंडिया में देखो कितना कुछ है ना, सो कितना कुछ है। ये डाइवर्सिटी जो है ना, ये किसके साथ कंपेयर की है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री, जो बेटा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मतलब क्या है, दीज कंट्रीज आर नथिंग बट, ये हो गया स्कैंडिनेवियन कंट्री, बेटा ऑस्ट्रेलिया आता है इसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया आएगा, कनाडा आएगा, नॉर्वे आएगा, ओके, ग्रीनलैंड आएगा, आइसलैंड ये आएगा, तो ये सारे बेटा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। एंड देन इंग्लैंड, इंग्लैंड बेटा हम सबका फेवरेट, फेवरेट क्यों, फेवरेट तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने हमको, हमारे ऊपर रूल किया था, अरे क्या हो गया भाई इसको, इन लोगों ने हमारे ऊपर रूल किया था। तो ब्रिटिश जो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, ब्रिटिश जो है ना, दीज आर इंग्लैंड पीपल, यूएसए वाले ब्रिटिश नहीं है, वो बस अंग्रेज हैं, वो बस अंग्रेज हैं। ब्रिटिश जो है ना, वो प्रैक्टिकली हम कहने को वो इंग्लैंड वाले लोग हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के वो सारे चमचे थे जो आके हमारे इंडियंस को, पता नहीं बहुत कुछ किया, आपने पढ़ाई हिस्ट्री भी, उसके लिए नहीं जाएंगे हम लोग, तो सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। तो बेटा क्या मतलब है इसका, ये है बेटा कोल्डर कंट्रीज, तो जहाँ पे कोल्डर कंट्रीज हैं तो वहां पे इस तरीके की रेनो इकोसिस्टम की वैरायटी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, ओके। इधर ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है आपको, रेन फॉरेस्ट मिलेगा, रेन फॉरेस्ट मिल सकता है उतना ही, या फिर अल्पाइन मिडोज भी मिल सकता है, समझो थोड़ा बहुत अमाउंट तक, बस इतना ही। डेजर्ट मिलेगा उनको, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है, मैंग्रोव्स नहीं मिलेंगे, वेटलैंड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें उनको नहीं मिलती। तो उनके साथ कंपेयर करके बताया गया है कि इंडिया में कितनी सारी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है। ऑलराइट, देन अकॉर्डिंग टू IUCN, कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, मैंने ही बता दिया, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004। तो इनके हिसाब से क्या है बेटा, इन्होंने कुछ किया था सेंसस जैसा, वो ह्यूमंस के ऊपर नहीं, एनिमल्स के ऊपर, तो मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज आर डिस्क्राइब्ड, मतलब कहने का ये है 1.5 मिलियन स्पीशीज आर डिस्क्राइब्ड, कितने हमको अभी तक डिस्क्राइब हुए हैं बेस्ड ऑन द 2004 IUCN सेंसस, ठीक है। देन अभी देखो, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, ये इसका एस्टिमेट है, ओके, तो मे है ना, एक मे एक पर्सन है, मे इज नॉट अ मंथ, रॉबर्ट मे, रॉबर्ट मे इज वन ऑफ द साइंटिस्ट, तो इनके हिसाब से, ओके, इन भाई साहब के हिसाब से ग्लोबल एस्टिमेट कितना होगा, About 7 million, about 7 million species would have on Earth. Okay. तो हमारा क्या है, हमने अब तक कितना डिस्कवर कर लिया है, हमने बेटा सिर्फ 1.5 मिलियन को ही हमने डिस्क्राइब किया है। तो इन भाई साहब का कहना है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में 7 मिलियन स्पीशीज जितने ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स हैं, बट हमने सारों को डिस्क्राइब नहीं किया, या फिर हमने उनको आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इन भाई साहब के हिसाब से ही कंसिडर्ड द स्पीशीज टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स, अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं वो तो चलो, अब कितने डिस्कवर हुए हैं, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, सिर्फ 22% हमारे अर्थ के हमको स्पीशीज को हमने डिस्क्राइब किया है, आइडेंटिफाई किया है, तो बाकी जितना भी बचा है ना, मैथमेटिक्स में तो बहुत एक्सपर्ट हो, 100-22 कर लो, उतने जितना भी परसेंट बचता है ना, तो इतना अभी तक हमको डिस्कवर नहीं हुआ है, वी आर एट टू डिस्कवर, ओके, तो समझो भाई समझो।
अब तो आपको मोटिवेशन मिला होगा। हाँ भाई, हम लोग करेंगे, डिस्कवर करेंगे और बहुत सारे न्यू न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है ना। करो करो, तथास्तु, खुश रहो, अच्छे से करो और बायोलॉजी का नाम रोशन करो, ठीक है। चलो, अब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, ओके, हमारे अर्थ में देखो, अभी हम लोगों को कितना पता चला था, सिर्फ 22% ही हमको पता चला है, जो टोटल में, जैसे 7 मिलियन में सिर्फ हमको 1.5 मिलियन ही पता चला है। तो अब देखो, अब इनमें क्या है, एनिमल्स, यू नो, एनिमल्स आर मोर डाइवर्स, ओके, तो एनिमल्स बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, बहुत ज्यादा नंबर है एनिमल्स के, समझो 70% से भी ऊपर, ओके, 70% से भी ऊपर का है। एंड प्लांट्स, इंक्लूडिंग प्लांट एंड फंगाई आर 22%। बेटा आपने कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। 1 पॉइंट, यू नो, यहाँ पे जो आपको बताया था ना, 1.5 मिलियन, तो इस 1.5 मिलियन का हम लोग आगे बता रहे हैं, ओके, दैट 1.5 मिलियन में 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट एंड फंगाई है, ठीक है। तो एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन है, एनिमल्स में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, ओके। तो स्पीशीज रिचनेस इनकी कितनी है, 70% है, 70% है। अब आप क्या करोगे, 10 जानवर में आप अगर 7 जानवर देखोगे तो 7 सारे इंसेक्ट्स होंगे, तो इतनी ज्यादा इंसेक्ट्स की नंबर प्रेजेंट है। एनिमल्स सबसे ज्यादा है, एनिमल्स में इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो, तो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। अब ये किस हिसाब से बताया गया है, देखो बेटा, अगर मैं समझू 100% हमारा अर्थ है, तो 100% में ना तकरीबन, मुझे नहीं पता बेटा एग्जैक्टली, मैं ज्योग्राफी में इतनी अच्छी नहीं हूं, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, तो समझो 90% हमारा वाटर है, क्योंकि बेटा हमारे पास ओशंस बहुत ज्यादा है, सी बहुत ज्यादा है, तो 10% हमारे पास लैंड है, समझो। तो इस 10% में हम, इंडिया के पास कितना है, सिर्फ 2.4%। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ भाई, आपको समझ में आने के लिए। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वाटर का परसेंटेज कितना है और लैंड का कितना है हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है। तो बट यहाँ पे इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। जो वर्ल्ड में 10% लैंड एरिया है, तो उसमें 2.4 हम इंडियंस का है, बट 8.1% ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या होगा, 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा कंपेयर टू दस लैंड, जो भी हमारे पास बायोस्पियर है, जो हमारा अर्थ है, उसमें 8.1% का स्पीशीज डाइवर्सिटी हम इंडिया के पास है, ओके। देन तो इतना सब हमारे पास है, तो हम इंडियंस कौन हो गए, अवर इंडिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। क्योंकि हम देखो, हम जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं ना, मैं आपको बताऊंगी अभी आगे जाके, अब हमें, यू नो, अर्थ देखते हैं तो इक्वेटर, इक्वेटर के पास यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया आएगा, फिर यहाँ पे टेम्परेट एरिया आएगा, फिर यहाँ पे पोलर रीजन आता है। तो इक्वेटर के पास ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल। तो इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। फिर ये टेम्परेट में जाते 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 क्या होगा, ये कम होता जाएगा, टेम्परेट में डाइवर्सिटी कम होती है, फिर पोलर में और कम, ठीक है। तो हमारा इंडिया कहाँ पे आता है, हमारा इंडिया आता है ट्रॉपिकल रीजन में। तो ट्रॉपिकल रीजन में है, तो इसमें डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, तो वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में हमारा इंडिया को गिना जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, असम है बेटा, मेघालय है, ओके, इतने सारे हमारे पास अच्छे अच्छे जो वेजिटेशन है, इसके लिए इसको अच्छी डाइवर्सिटी माना जाता है हमारे इंडिया के पास। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। 45,000 प्लांट्स हैं, इससे ज्यादा डबल कर दो तो एनिमल्स हैं। तो अगेन, जो रॉबर्ट मे का हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे ना, रॉबर्ट मे, तो अप्लाइंग, तो उनका एस्टिमेट हम लगाएंगे तो क्या पता चलेगा, इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीशीज आर एट टू बी डिस्कवर्ड। ये डिस्कवर होने वाला है शायद, ये सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस बनाया है भाई पीपीटी ने, शायद ये एट टू बी डिस्कवर्ड है बेटा। ओके, मैंने बताया था ना आपको, 100% में सिर्फ 22% ही डिस्कवर हुआ है। क्यों, क्योंकि 7 मिलियन था, 7 मिलियन का इसका एस्टिमेट था इन भाई साहब का, तो हमने सिर्फ 1.5 मिलियन का किया है, तो हमने सिर्फ 22% को हमने, यू
डिस्क्राइब किया है, तो कितने बच्चे हैं तो नंबर में बता रहे हैं ये लोग, तो 1 लाख जितने प्लांट स्पीशीज को हमने और डिस्कवर करना है, 3 लाख एनिमल स्पीशीज आर एट टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। चलो नाउ, तो अब बेटा हमने जो डाइवर्सिटी का न्यूमरिंग की है, ओके, नंबरिंग की है कि हमारे अर्थ में कितने सारे स्पीशीज हैं, कैसे कैसे स्पीशीज हैं, कौन ज्यादा है कौन कम है, तो इसको हमने कह दिया बेटा ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो इस ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमने एक कैटेगरी के लोगों को नहीं लिया, लोगों मतलब ऑर्गेनिजम्स को नहीं लिया, जो है प्रोकैरियोट्स। अब आप मुझे पूछोगे मैम अपने प्रोकैरियोट्स को क्यों छोड़ दिया, बेचारे है ना, बेचारे तो हैं लेकिन बहुत सारे हैं, बेचारे तो हैं लेकिन बहुत सारे हैं, तो इनको क्या ही करेंगे बेटा। देखो यूकैरियोट्स हैं, बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनका बेटा न्यूमरिक लेवल में इनको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, बट ये इतने चुन्नू मुन्नु से चटकारे पटकारे इनका क्या ही कर सकते हैं ना। तो बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज, क्यों, दो वजह है। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिकल मेथड्स आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज। अब जो हमारे कन्वेंशनल मेथड मतलब जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, ओके, तो समझो कोई स्पीशीज स्पीसिएशन हो गया, एडाप्टिव रेडिएशन हो गया, या ऐसे करके हम जो जो भी हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक मेथड होता है कि हाँ भाई इतना स्पीशीज रिचनेस है, कहीं पे स्पीशीज रिचनेस नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग लैंड बना के प्लॉट बना के एस्टिमेट करेंगे, बट वो वैसा मेथड हम प्रोकैरियोट्स को नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इन सॉइल इटसेल्फ कितने तो मिलियन बेटा, ओके, लाइक लिटरली सम मिलियन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ऐसे हवा में बहुत सारे हैं, पानी में है, अब जहां पे जाओ वहां पे आपको प्रोकैरियोटिक स्पीशीज मिलेंगे, इनका करना बहुत मुश्किल है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। एंड कुछ अगर आपने गिन भी लिया, आपको मिल भी गए, तो इनको कुछ में क्या होगा, लैब में कल्चर करना बहुत मुश्किल है कुछ ऑर्गेनिजम्स को, उनको नेचुरल हैबिटेट ही चाहिए, ओके, आर्टिफिशियल में वो ग्रो नहीं होते, ऐसे कंडीशंस भी रहते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो इन सारे रीजंस की वजह से हमने प्रोकैरियोट्स को न्यूमरिंग जो हमने यहाँ पे नंबरिंग की है उसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखो। नाउ कमिंग टू पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से पढ़ा रही हूँ ना यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके, लास्ट आधा घंटा बेटा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लो, ठीक है प्लीज। हाँ, तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पहला हमको पढ़ना है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, ओके, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। अब देखो बेटा, अब ये हमारा क्या है, हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है ना, इक्वेटर है। अब ये ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे वाला कैप्रिकॉन है, फिर यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे सॉरी नीचे अंटार्कटिक ऊपर आर्कटिक, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये टेम्परेट कहलाता है, ओके, टेम्परेट, और ये जो पार्ट है ये ट्रॉपिक कहलाता है, ओके, तो ये भी अगेन ट्रॉपिक है, ये टेम्परेट है, ओके, तो अब आपको क्या समझना है, मैंने आपको बताया ना इक्वेटर के पास वेजिटेशन बहुत ज्यादा है। अब देखो हमारा इंडिया किसके तरफ है, हमारा इंडिया ज्यादा से ज्यादा बेटा इक्वेटर की तरफ ही आता है, ठीक है। अब आप सिर्फ इस डायग्राम के बेसिस पे डिपेंड मत करना, डिसाइड मत करना, ठीक है, लेकिन हाँ चलो यहाँ पे देखो क्या देखना है, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। तो इक्वेटर की तरफ क्या है बेटा, स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, क्यों, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ओके, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे क्यों ज्यादा है फिर मैं वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि वहां पे एवोल्यूशनरी जो चीजें हैं ना वो ज्यादा चेंजेस नहीं हुई हैं, वो सारी चीजें हैं मैं बताऊंगी। ऑलराइट, तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, इक्वेटर से ऊपर जाओ या नीचे आओ लेकिन डाइवर्सिटी कम होती जाती है, इक्वेटर में ज्यादा फिर ट्रॉपिकल में भी ज्यादा रहेगा, फिर टेम्परेट में जाओ तो थोड़ा कम, फिर आर्कटिक और अंटार्कटिक में जाओगे तो बहुत कम, तो ऐसे करके स्पीशीज डाइवर्सिटी बदलती रहती है, ठीक है। अब देखो ट्रॉपिक्स में क्या होगा, ट्रॉपिक्स में लैटिट्यूडनल रेंज, देखो बेटा ये ऐसे अभी अर्थ है तो ये जो होते हैं ना, गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, ऑलराइट, तो
अब ये अर्थ है, ये इक्वेटर है बीच में, तो ऐसे लाइंस को बेटा हम कहते हैं लैटिट्यूड, ऐसे लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड, ऐसे लंबे लंबे लाइंस को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, जो लंबे वाले हैं उनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और जो साइड साइड्स में, ओके, लैटिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ओके, हॉरिजॉन्टल वाले लैटिट्यूड हैं, लंबे वाले लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो हमारे ट्रॉपिक्स में कैसा आ रहा है लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री, एंड देन अगेन यहाँ पे देखो 23.5 डिग्री, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप जाते जाओगे टेम्परेट एंड पोलर में बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाती है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ओके, तो एग्जाम्पल्स क्या दिया है, नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज, ओके, नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज, कोलंबिया नियर इक्वेटर है, अबाउट 14,400 स्पीशीज, 1400, ओके, 1400 स्पीशीज के क्या है बेटा यहाँ पे कोलंबिया में स्पीशीज प्रेजेंट है। देन इंडिया, इंडिया ट्रॉपिक में आता है, तो यहाँ पे भी कितने हैं देखो 1200 स्पीशीज। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पे जाएगा, फिर ऊपर ऊपर थोड़ा टेम्परेट में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होंगे स्पीशीज कम होते जाएंगे। ग्रीनलैंड, देखो बेटा आप जब मैप देखोगे ना तो एक कंफ्यूजन रहेगा, जो ग्रीनलैंड है वो एकदम आइस से भरा है, आपको एकदम व्हाइट कलर का दिखेगा, जो आइसलैंड है वो ग्रीन दिखेगा, ठीक है। अब देखो बेटा यू गो एंड लुक इनटू द मैप, ठीक है, तो जो ग्रीनलैंड है वो एकदम पोलर रीजन की तरफ आता है, यहाँ पे सिर्फ ओनली 56 स्पीशीज। तो इक्वेटर की तरफ ज्यादा स्पीशीज, देन ट्रॉपिक्स इक्वेटर के करीब यहाँ पे भी ज्यादा है, फिर टेम्परेट में आओ तो कम है, फिर एकदम से आप पोलर में आ जाओ आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक, वहां पे और कम होंगे स्पीशीज, ठीक है। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 times ऑफ वैस्कुलर प्लांट स्पीशीज एज कंपेयर टू टेम्परेस्ट फॉरेस्ट रीजन इन मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। देखा, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन और टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन के बीच में कंपैरिजन किया है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, तो ट्रॉपिकल में 10 times ज्यादा वैस्कुलर प्लांट्स हैं। ओके, वैस्कुलर प्लांट्स मतलब कौन, ओके, वैस्कुलर प्लांट्स मतलब कौन, यस, कौन कौन आते हैं वैस्कुलर प्लांट्स में, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियो, है ना, तो ये सारे आते हैं वैस्कुलर प्लांट्स में, तो 10 times मोर है ट्रॉपिकल में देन टेम्परेट, ठीक है। चलो, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लाइक इक्वाडोर फॉरेस्ट, वहां पे 10 times मोर वैस्कुलर प्लांट्स हैं देन कंपेयर टू टेम्परेट, ठीक है। चलो, ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखो यही चीज बेटा, यू नो ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ओके, सो ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में है, इट हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। ये जो साउथ अमेरिका है ना, ये नियर टू इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर के बहुत करीब है, तो यहाँ पे भी आपको रिचनेस बहुत ज्यादा मिलेगी स्पीशीज की, ओके, स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। अब भी सांप को देख के डरना मत बेटा, एक्चुअली मैं खुद सांप से डरती हूँ, आई एम लाइक दुनिया का कोई भी एनिमल ले लो मुझे इतना डर नहीं लगता, बट सांप से तो डर बहुत लगता है, पीपीटी में आ गया, क्या कर सकते हैं। अब ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो देखो तकरीबन 40,000 प्लांट्स, 3,000 फिशेस, 1,300 बर्ड्स, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, 378 रेप्टाइल्स, अम्मा गे इनवर्टिब्रेट्स देखो 1,25,000। तो अमेजोन का जंगल जो है ना साउथ अमेरिका का, वहां पे तो मतलब जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है भाई, ओके, आपने कुछ हॉरर मूवीज भी देखे होंगे, वहां पे अमेजोन जंगल में बहुत सारे हॉरर मूवीज भी शूट किए गए हैं, ओके, सो आई एम अ बिग हॉरर मूवी फैन, मतलब कुछ भी मूड अपसेट है, मूड अच्छा करना है तो हॉरर मूवी लगा के बैठो, मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा डर के मारे, ओके, डरती नहीं हूं मैं, हॉरर मूवीज देखना पसंद करती हूँ। तो अब देखो, अब रीजंस हैं, अब मैंने आपको बताया ना इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा स्पीशीज की रिचनेस है, वेरिएशन, सॉरी वहां पे वैरायटी बहुत ज्यादा है, वेराज पोलर रीजन की तरफ वैरायटी बहुत कम है, तो इसका कुछ रीजन तो होगा ना, रीजन फॉर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस, यू नो रिचनेस इन ट्रॉपिक्स एंड नियर इक्वेटर, तो इसका रीजन क्या है, ट्रॉपिक्स हैड मोर एवोल्यूशनरी टाइम, ओके, इसको बहुत ज्यादा एवोल्यूशनरी टाइम मिला था कंपेयर टू टेम्परेट एंड ट्रॉपिक, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। देन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट, देखो बेटा यहाँ पे
जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा सीजनल चेंजेस नहीं होते. ओके, बहुत ज्यादा सीजनल चेंजेस नहीं होते तो क्या होता है, एनवायरमेंट तकरीबन उतना उतना ही रहता है, ज्यादा वेरी नहीं करता. जैसे ठंडी आई, माइनस में चला गया, गर्मी आई, ओके, अबव 45 चला गया, ऐसे एकदम से वेरिएशन नहीं रहता, थोड़ा बहुत कॉन्स्टेंटली मेंटेन होता है. कहाँ पे ट्रॉपिक्स की बात हो रही है, तो इससे क्या होगा, लेस सीजनल है तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी लगने लगती है. क्योंकि बेटा अगर एकदम से सडन सीजनल वेरिएशन आ गया, चेंजेस आ गए ना, तो कुछ प्लांट्स ना ठंडी पसंद करने वाले हैं, कुछ गर्म पसंद करने वाले होते हैं, तो वहां पे डाइवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी. ठीक है, बट यहाँ पे कांस्टेंट जैसा टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है एनवायरमेंट में, तो इट इज मोर पॉसिबल दैट कि अच्छे से यहाँ पे रिचनेस हो स्पीशीज की या फिर डाइवर्सिटी हो. एंड मोर ओवर, हमारा जो इक्वेटर का रीजन आता है, वहां पे जो लाइट है, ओके, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो ज्यादा पड़ती है. मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने आपको फूड जो फूड चेन बताया था, एनर्जी फ्लो बताया था, वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, सन से एनर्जी आती है जो प्लांट्स में जाती है. प्लांट्स को कौन खाएगा, प्लांट को रैबिट खाएगा, रैबिट को कौन खाएगा, वुल्फ खाएगा, फिर वुल्फ को कौन खाएगा, कोई भी एक टाइगर खाएगा. तो ऐसे करके जो एनर्जी है वो पास ऑन होते रहती है ना. तो इक्वेटर और ट्रॉपिक्स वालों के पास बहुत ज्यादा सन का अवेलेबिलिटी है, जो कि टेम्परेट और पोलर में नहीं है. देखो, टेम्परेट में कौन आता है, आपका इंग्लैंड आएगा, नॉर्वे, ओके, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे कहाँ पे आते हैं बेटा, टेम्परेट और पोलर में आ जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए इनके पास प्रोडक्टिविटी कम है. अगर देखो, सूरज लाइट ज्यादा आएगा, सोलर एनर्जी ज्यादा आएगा, तो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, ये हमको पता है ना. प्राइमरी प्रोड्यूसर ज्यादा हो जाते हैं, प्लांट ज्यादा हो जाते हैं, फाइटोप्लांक्टन्स, जू प्लांक्टन्स, ऑटोट्रोफ्स, सब बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होने लग जाते हैं जब एनर्जी, सोलर एनर्जी अच्छे से है. तो ये भी एक रीजन है. ये तीन रीजन आप याद रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन कमिंग टू स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ओके, तो इन भाई साहब, इनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. ओके, इन्होंने एक स्टडी किया. इनके स्टडी के मुताबिक क्या है बेटा, इन साउथ अमेरिकन जंगल, ओके, जो साउथ अमेरिका के, जिसे अमेजोन जंगल ही समझो, वहां पे क्या किया इन्होंने, रीजन का स्टडी किया. ओके, तो इन्होंने क्या बताया, विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया. बेटा सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. अब कर्नाटका बेटा, अब कर्नाटका जो स्पीशीज रिचनेस है कर्नाटका में, वो कम है. अब मैं सारे इंडिया की बात बताऊं तो स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा हो गई इंडिया में, लेकिन एरिया भी तो बड़ा. कर्नाटका बहुत छोटा था, स्पीशीज रिचनेस कम थी. इंडिया बड़ा है, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा हुई. फिर एशिया कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, वहां पे फिर बहुत ज्यादा आपको स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलेगी. तो इन भाई साहब ने क्या बताया, जो आपकी स्पीशीज रिचनेस है, ये एरिया जैसे बढ़ती जाती है, ये स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाएगी. स्पीशीज रिचनेस जैसे बढ़ेगी, एरिया जैसे बढ़ेगा, या फिर एरिया बढ़ गया तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी. दोनों पैरेलली चलते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, तो स्पीशीज रिचनेस कब बढ़ेगी, जब एरिया बढ़ेगा. ठीक है, इन भाई साहब ने इतना ही बताया, लेकिन इसका लिमिट है, ये बताते हैं. ओके, ओनली अप टू अ लिमिट, उसके बाद कुछ और कहानी है, यह हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, तो समझ में आया बेटा, इन्होंने क्या बताया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द एरिया. चलो, तो इन्होंने इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा ग्राफ बनाया है. ओके, इस ग्राफ में क्या बताया है बेटा, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया. ओके, अब हम रिलेशन देखें रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया के बीच में. तो आपको ना ग्राफ बनाओगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा. ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा. मैम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, देखो बेटा ऐसा रहता है, ये इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, अब आप पूछेंगे, मैम हमने सिर्फ आधा दिखाया. अरे भाई, इतना आया है तो वापस जाएगा, अभी तो वैसे ही जाएगा. ठीक है, तुम टेंशन मत लो. ओके, तो ओनली अप टू लिमिट, इसीलिए कहा था इसने यहाँ पे, लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है, तुम यहीं तक देखो, जरा शांत रहो. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया बेटा, वाई एक्सिस में स्पीशीज रिचनेस को लिया, एरिया लिया एक्स एक्सिस में. तो इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है कि कैसा हुआ है. ठीक है, तो इन भाई साहब ने,
ओके, अलेक्जेंडर जी ने एक फॉर्मूला दिया हमको, क्या दिया बेटा, इन्होंने फॉर्मूला दिया एस इज इक्वल टू सी ए जेड। ओके, ये टू नहीं है, दिस इज नॉट टू, दिस इज जेड, जेड है ये, जेड, जेड फॉर जीब्रा, ठीक है, जेड है, ठीक है। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया, मैंने सिंपल में आपको बता दिया, हाँ भाई अगर यू नो स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगा, ये मैंने आपको सिंपल से समझा दिया। बट इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर ऑफ जेड, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एस क्या है, स्पीशीज रिचनेस है, ए एरिया है, स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी जैसे एरिया बढ़ेगा, ठीक है। जो सी है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट है, देन जेड, बेटा यहाँ पे जेड की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जेड क्या है, जेड इज द स्लोप ऑफ लाइन, मतलब जो इस ग्राफ में लाइन बन रही है ना, लाइन, तो इस लाइन को हम कह रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन। अब ये क्या करेगी, ये कभी कभी बहुत स्टीप चले जाएगी, कभी स्टीप कम होगी, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो जो स्लोप ऑफ लाइन है ना, इसके थ्रू हम लोग देखेंगे वेरिएशन, तो जेड में वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब आप मुझे बताओ मैम कैसे, देखो बेटा अगर जेड बढ़ेगा, अगर जेड बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो लाइन है ना, ये पिंक वाली, ये ज्यादा स्टीप होने को चले जाएगी। फॉर दोज पीपल हु डोंट नो व्हाट इज स्टीप, ये जो लाइन है ना, ये अगर वर्टिकल लाइन के तरफ ज्यादा क्लोज जा रहा है तो इसको कहते हैं स्टीपनेस, ठीक है, इसको कहते हैं स्टीपनेस। अब स्टीपनेस कब बढ़ेगा, जब ये जो लाइन है ना बीच में पिंक वाली, ये पिंक वाली लाइन वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस की तरफ जब मूव करेगी तो स्टीपनेस ज्यादा होगा। तो अब स्लोप क्या है, इस लाइन को ही बेटा हमने कह दिया स्लोप, अब आप पता नहीं कहीं और जाके स्लोप को ढूंढो, नहीं, इस लाइन को ही आप स्लोप समझो। अभी स्लोप का स्टीपनेस जब बढ़ेगा, ओके, तो इस स्लोप, इस ना स्लोप का स्टीपनेस बढ़ने को हम कह रहे हैं जेड, ठीक है। तो जब स्टीपनेस बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, जेड कब बढ़ेगा, जब स्टीपनेस बढ़ेगा, दोनों एक ही चीज है भाई, स्टीपनेस ऑफ स्लोप, ठीक है। तो स्टीपनेस ऑफ स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जेड बढ़ रहा है। अब आप मुझे बोलो, अब स्टीपनेस ऑफ स्लोप बढ़ रहा है तो इसका उल्टा सा आप मतलब क्या निकाल सकते हो कि हाँ भाई इसका एरिया बढ़ रहा है, ओके, तो इसका आप सिंपल से मतलब निकाल सकते हो कि हाँ भाई इसका एरिया बढ़ रहा है। अब एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पीशीज भी बढ़ेगी, स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला दिया है हमारे अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट ने, ठीक है बेटा। अब एक बार मैं रिपीट करती हूँ आपको, जो जेड है, ओके, जेड इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। अब जब ये स्लोप ऑफ द लाइन बढ़ेगा, मतलब ये जब ज्यादा से ज्यादा स्टीपनेस होगा, ये वर्टिकल लाइन की तरफ ज्यादा से ज्यादा जब मूव करेगा, तो इससे क्या होगा बेटा, एरिया बढ़ेगा। जब एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रिचनेस ऑफ स्पीशीज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम लॉगरिथमिक स्केल में देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, लॉग एस लॉग सी प्लस जेड लॉग ये। आप लोगों सब फिजिक्स में अच्छे हो, अब मुझे पता है कि ये आपको पता है कैसे आया है, लॉग बुक निकाल के आप लोगों ने पता नहीं कुछ कुछ तो करते हो, तो वैसा ही है ये, ठीक है। अब जिन बच्चों को स्टीपनेस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, उनके लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम डाला है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ओके, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, अब देखो ये हमारा ग्राफ था, अब ऐसे है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, अब ऐसे है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप, अगर ऐसे है तो इसको हम कहते हैं जीरो स्लोप, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड स्लोप। तो स्लोप का क्या है मतलब है बेटा, जो पिंक वाली लाइन है ना उसको ही स्लोप कह रहे हैं। अब स्टीपनेस देखो, स्टीपनेस मतलब क्या हो रहा है, स्टीपनेस मतलब क्या हो रहा है, अब देखो बस आपको समझाने के लिए, जो भी वाई एक्सिस के करीब जा रहा है वो वेरी स्टीप है, ये नॉट स्टीप, ये लिटिल स्टीप, ये इवन स्टीप, ये वेरी स्टीप, ठीक है। तब स्टीप का मतलब हम लोग क्या बता रहे हैं, स्टीप इज रिलेटेड विद जेड, जब जेड बढ़ेगा, ओके, जब स्टीपनेस बढ़ेगी, जब जेड बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगी, जब एरिया बढ़ेगी तो बेटा वहां पे स्पीशीज रिचनेस भी अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर बेटा, बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। आपको क्या समझना है, जैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी एरिया बढ़ेगा, एरिया जब बढ़ेगी वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, बस फॉर्मूला याद रखो काफी है, ठीक है। ओके तानवी, चलो
अब आपकी एनसीईआरटी कुछ और कहती है आगे. जनरली फॉर स्मॉलर एरियाज जेड वैल्यू इज 0.1 to 2. ओके, जो जेड वैल्यू है वो कम रहता है. क्यों? क्योंकि स्मॉलर एरिया है ना. मैंने क्या बताया, एरिया बड़ा है तो स्पीशीज की रिचनेस भी ज्यादा होगी. अगर एरिया कम है तो स्पीशीज की रिचनेस भी कम होगी. तो अब हमने स्मॉलर एरिया लिया है तो वहां पे जेड वैल्यू भी तो कम होगी ना. क्यों? क्योंकि स्टीपनेस कम होगा, यहाँ पे जेड वैल्यू भी कम होगा, स्पीशीज भी कम होगा क्योंकि एरिया भी कम है. अब जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे क्या होगा, एरिया जब ज्यादा है तो स्लोप ऑफ द लाइन स्टीपर होता जाएगा और जेड वैल्यू बढ़ता जाएगा. समझ रहे हो? स्मॉलर एरिया लेसर स्टीपर स्लोप. ओके, स्मॉलर एरिया लेसर स्टीपर स्लोप, जेड वैल्यू इज लेस तो स्पीशीज रिचनेस कम होगी क्योंकि एरिया कम है. बड़ा एरिया स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी, स्लोप ऑफ द लाइन इज वेरी वेरी स्टीपर एंड वैल्यूज गेट हाइयर, जेड वैल्यू ज्यादा होते जाता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ये जो हाइपरबोला का है ना, ये आपकी एनसीईआरटी ने दिया है. ओके, ये आपका फॉर्मूला, मतलब जो हाइपरबोला आया है ना आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो है. अब इसको लॉगरिथमिक स्ट्रेट लाइन में हमने इसको ऐसा बनाया है. ठीक है, अब इसकी स्टीपनेस ऐसे जाओगे तो ज्यादा होगी, ऐसे आओगे तो कम होगी. ओके, यहाँ पे नीचे आओगे तो स्टीपनेस डिक्रीजेस, यहाँ पे स्टीपनेस ऐसे जाओगे तो इंक्रीजेस. ठीक है, मैंने डायग्राम दिखा के बोला है. अब आपकी बुक ने एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, फॉर फ्रूजीवोरस बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब ये फ्रूट खाने वाले प्राणी. ओके, तो फ्रूजीवोरस बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स have the z value of 1.15. मतलब भाई कितना बड़ा z value है. अगर z value ज्यादा है तो species richness भी ज्यादा होगी और area भी ज्यादा होगा. ठीक है, तो smaller area समझो, ये हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ India की. और यहाँ पे देखो सारा continent मतलब Asia की बात हो रही है. तो ऐसे example करके देखो, आपकी एनसीईआरटी ने कुछ दिया है भैया, आप कहीं से तो जाओ, न्यूयॉर्क से जाओ, कहीं कोलंबिया को जाओ, कैसे कैसे करके आपकी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है. आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, देन कमिंग टू डेविड टिलमन. चलो खत्म होएगा, कोई बात नहीं. हमारे डेविड टिलमन एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा बात बताया है. क्या बताया बेटा इन्होंने? इन्होंने ये बताया हमको, द प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज. ओके, द प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शो लेस वेरिएशन इन टोटल बायोमास. बेटा इन्होंने किया क्या, डेविड टिलमन ने, इन्होंने तीन ऐसे करके प्लॉट्स बनाए. ओके, प्लॉट मतलब आप समझते हो ना, जो हम लोग साइट जिसको कहते हैं, साइट लेके घर बनते हैं, तो ऐसे खुली जमीन, खुला मैदान. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ले लिया ए बी और सी. ठीक है, तो ए में क्या हुआ बेटा, ए में बहुत ज्यादा प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स थी, बहुत ज्यादा प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स थी, और बी में थोड़ा मीडियम था, सी में तो बहुत ही कम था. ठीक है, तो अब इन्होंने क्या देखा, जो कोई भी प्लांट में जिसमें स्पीशीज ज्यादा है, ओके, जिसमें स्पीशीज ज्यादा है उसमें क्या होगा, साल ब साल आते आते, ईयर टू ईयर आते आते, वहां पे जो टोटल बायोमास का वेरिएशन है वो आपको कम देखने को मिलेगा. ओके, इट इज लेस, बट बी में आपको वेरिएशन ज्यादा दिखेगा और सी में बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखेगा. ओके, ये क्यों होता है बेटा, व्हाई डज दिस हैपन, व्हाई डज दिस हैपन, आपको समझ में आया? डेविड टिलमन ने क्या बताया, इन्होंने कुछ प्लॉट्स बनाए जिनमें स्पीशीज ज्यादा है, तो उन्होंने क्या बताया कि जहां पे स्पीशीज ज्यादा है वहां पे टोटल बायोमास जो है ना वो लेस वेरिएशन दिखाता है. ओके, मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो क्या होंगे बेटा, उनमें जो वेरिएशन होगा ना, नंबर ऑफ वेरिएशन जो बदलेगा वो कम होगा. लेकिन जहां पे कम ऑर्गेनिजम्स हैं, जहां पे कम स्पीशीज हैं, वहां पे ज्यादा होगा. बेटा सिंपल मैथ है ये, मैं आपको समझाऊं. अगर आप ना 1000 लोग में, ओके, आप अगर 1000 लोग में आप एक बंदे को मारो, ओके, एक पर्सन को आप मारो, ओके, 1000 में आप सिर्फ 1% आदमी को मार दो, आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा. मतलब ऐसा लगेगा कि चलो एक समंदर में कोई कीड़ा बाहर निकला. अगर मैं आपको बताऊं कि 100 में से आपने 1% को निकाला,
ओके, 100 में से आपने 1% को निकाला या फिर एक बंदे को मिलाया निकाला, तो वेरिएशन बढ़ गया। यहाँ पे वेरिएशन तो कम था ना बेटा, क्यों? क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा थी, स्पीशीज नंबर ज्यादा थी, तो साल ब साल अगर कुछ ऑर्गेनिज्म पैदा भी हुए, कुछ मरे, तो भी वेरिएशन कम होता है। अगर 100 की बात करूं तो वेरिएशन ज्यादा होगा। अगर वही मैं 10 की बात करूं तो उसमें अगर एक भी मर गया, एक भी मर गया, तो कितना बढ़ जाएगा वेरिएशन, है ना? आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो मोर स्पीशीज मीन्स लेसर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, ठीक है? तो इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाइयर प्रोडक्टिविटी। अब जहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, डेफिनेटली, है ना? तो प्लांट की डाइवर्सिटी ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इट इज एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। बेटा अब तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, बहुत मुश्किल हो गया है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, सीएफसी हार मतलब यूज कर करके उसको खराब कर दिए, बहुत सारी चीजें हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, ओके, ओशंस को पल्यूट कर रहे हैं, फिश मर जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस हो रहा है तो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो डाइवर्सिटी जितनी रहेगी, मतलब प्राणी जितने रहेंगे, जितने झाड़ी रहेंगे, उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, बैलेंस में रहेगा। जितना हम लोग स्पीशीज को हटाएंगे, अब देखो ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, प्लांट्स मर रहे हैं, ओके, एनिमल्स भी मर रहे हैं, ह्यूमंस भी मर रहे हैं, तो सबका सर्वाइवल मुश्किल है। तो अब जितना स्पीशीज रिचनेस रहोगे रखोगे, उतना बायोस्फीयर का बैलेंस मेंटेन होता है, हमारे लिए अच्छा है, मदर नेचर के लिए अच्छा है, ठीक है? तो लास्ट चीज है बेटा, नो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ओके, बस ये एक्सप्लेन करके हम क्लास खत्म करेंगे। बेटा इन्होंने क्या बताया है, दे हैव शोन एन एनालॉजी यूज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। अभी मैंने जो आपको बताया ना बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इतना इंपॉर्टेंट है, बिना कोई स्पीशीज रिचनेस के हमारा अंत होना इट्स लाइक फिक्स्ड, वो तय है। इसीलिए अगर हमको ज्यादा टाइम तक जिंदा रहना है, हमको अच्छे से जीना है, तो स्पीशीज रिचनेस को मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसको खराब नहीं होने देना। तो उसको इन्होंने एक एनोलॉजी मतलब एक कंपैरिजन बना के हमको एक्सप्लेन किया है। इनका नाम है पॉल एलरिच। तो इन्होंने क्या बताया बेटा, इन्होंने क्या बताया, एक पूरे एरोप्लेन को, ओके, एक पूरा एरोप्लेन जो है इसको इन्होंने बताया एक इकोसिस्टम। ओके, पूरा एक एरोप्लेन जो है इसको बताया इन्होंने इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम में, पूरे एरोप्लेन को इकोसिस्टम बताया, इस इकोसिस्टम में या फिर इस एरोप्लेन में अंदर क्या होंगे, बहुत सारे सीट्स होंगे, है ना? तो सीट्स होंगे और बहुत ज्यादा यहाँ पे स्क्रूज होंगे। तो अब क्या होगा बेटा, इस प्लेन के अंदर होंगे रिवेट्स। तो रिवेट्स का मतलब है बेटा स्क्रूज, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। स्क्रू, स्क्रू देखे हो ना, वो नोट नट एंड बोल्ट वाला स्क्रू, ऐसा आपको डाल के ऐसे फिराओगे तो वो टाइट हो जाता है, उसको कहते हैं स्क्रूज। तो रिवेट्स का मतलब है स्क्रूज। अब एक एरोप्लेन बना है तो मतलब लाइक समझो पता नहीं कितने लाख स्क्रू से मिलके बना है। अब स्क्रूज कौन है, रिवेट्स कौन है, स्पीशीज है। अब क्या करेगा, समझो इस एरोप्लेन के ऊपर एक पैसेंजर आया, उसने बैठा, सीट के पास का स्क्रू निकाल के चला गया। दूसरा पैसेंजर आया, सीट के पास वाला अगेन स्क्रू निकाल के चला गया। कोई और आया, उसने पता नहीं फ्लोरिंग से स्क्रू निकाल दी। कोई आया जो यहाँ पे होता है ना रूफ, वहां से स्क्रू निकाल दी। तो अब क्या करेंगे, देखते ही एकदम से इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। एक स्क्रू निकालने से पूरी इकोसिस्टम बर्बाद नहीं होगी, पूरा प्लेन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन ये धीरे 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 करके एरोप्लेन की वीकनेस हो जाती है, वीकनेस होती है एरोप्लेन में। ये कभी ना कभी जाके ये दिखाएगा कि अभी ये इसमें कुछ ताकत नहीं बची, ठीक है? तो इसे सारे समझो, एक 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 बंदा आके एक एक स्क्रू को मतलब एक स्पीशीज को निकालते जा रहा है, एक्सटिंक्ट करते जा रहा है, तो फ्लाइट की सेफ्टी में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? तो जितने आप रिवेट्स निकालोगे, जितने स्पीशीज निकालोगे, जितने स्क्रूज निकालोगे, तब तो बहुत ज्यादा मुश्किल आ गई। अब क्या होंगे, अब एक हवाई जहाज को उड़ने के लिए विंग्स बहुत जरूरी है ना? यहाँ पे 1 विंग 2 विंग। अब कोई शैतान बच्चा आया, इसने क्या किया, सिर्फ सीट के, सिर्फ रूफिंग के, फ्लोरिंग के निकालता तो फिर भी चलता, वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता इकोसिस्टम को। एक आया बच्चा, इसने क्या किया, जो विंग्स है ना, विंग्स के सारे स्क्रूज निकाल दिए। अब अगर विंग्स के स्क्रू नहीं है तो उड़ेगी कैसे भाई एरोप्लेन, एरोप्लेन उड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो इकोसिस्टम मेजरली डैमेज हो जाएगी। तो हमारे इकोसिस्टम में ना बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो मेजरली इन्वॉल्व होते हैं एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए,
ठीक है, अगर उसको आपने उसके साथ इंटरफेयर किया तो सारा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो, लॉज ऑफ रिवेट्स ऑन विंग्स विच आर की स्पीशीज, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज होते हैं एक इकोसिस्टम के, दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, वो बहुत ज्यादा मेजर फंक्शन प्ले कर रहा था, इज मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफ्टी, इज मोर डेंजरस टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट। मैंने बताया ना, सीट्स वाले आप रिवेट्स निकालोगे, स्क्रूज निकालोगे, स्पीशीज निकालोगे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेजर वाले हैं, जो इकोसिस्टम को बैलेंस करके रख रहे थे, उनको आपने हिला दिया तो सारी की सारी एरोप्लेन धरती पे लुढ़क जाएगी। तो ऐसा ही है, हमारा एरोप्लेन एक इकोसिस्टम की तरह है। इकोसिस्टम में अगर आपने एक एक स्क्रू निकाला, स्पीशीज निकाला, एक्सटेंड किया एनिमल्स को, तो सडनली आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, कुछ साल के बाद आपको जरूर उसका देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोसिस्टम कमजोर होती जाती है, इम्बैलेंस होती जाती है। अगर आपने मेजर कोई फंक्शनिंग होती है ना, तो उसको हम कहते हैं की स्पीशीज, जो विंग्स हैं एक एरोप्लेन में, उसको अगर आपने हिला दिया तो समझो पूरी इकोसिस्टम चली गई, पूरा एरोप्लेन मिट्टी में मिल गया। ठीक है, तो इस बेसिस पे रिवेट मतलब स्क्रू, ओके, तो स्क्रू, पॉपर मतलब निकालना, ओके, स्क्रू को निकालना। तो सब लोगों ने एक एक स्क्रू निकाला। समझो मैं यहाँ पे घर बांध रही हूं, तो मैंने कुछ 100 प्लांट्स मार दिए, तो मैंने स्क्रू को पॉप किया, मतलब मैंने रिवेट को पॉप किया, तो इसको कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। सब लोग ने पॉप कर करके निकाल दिए रिवेट मतलब स्पीशीज, एक ना एक दिन रिवेट्स ही नहीं बचेंगे और हम भी नहीं बचेंगे। तो इतना वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, सो दैट्स ऑल बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। कल की क्लास में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग जो है सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे एंड देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वो सब इजी चीजें हैं, देख लेंगे। ठीक है, ओके, कृष्णा पार्मर, बाय, सी यू टुमारो। पढ़ के आना, एनसीईआरटी पढ़ के आना, अगर कुछ डाउट है तो पूछना। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू तन्वी। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम।